नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर सिक्किम दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है तो ये अचीवमेंट पाने के लिए सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या क्या मैसेज अडोप्ट किया क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया इनकी ये जर्नी के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों सिक्किम को आज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट रिकग्नाइज किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड को कैटलॉग एंड वेरीफाई करते हैं ये रिक्शन का मतलब ये है सिक्किम स्टेट पहला स्टेट बन गया है दोस्तों जिन्होंने एक हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है एक एवरग्रीन एंशियन मेथड है जिसमें एनवायरमेंट प्योर रहते हैं एंड नेचुरल नेचर ऑफ द लैंड मेंटेन होता है इसकी वजह से सोइल हमेशा फर्टाइल रहेगा एंड ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आने का चांसेस भी कम है इसके अलावा फोसिल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते, करते हैं दोस्तों इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ़ इंसेटीसाइड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में काउडंग कंपोस्ट मैन्यूअर ग्रीन मैन्यूअर बायोपेस्टिसाइड अर्थवे मैन्यूअर नीम केक लेमन ग्रास फ्रूट रेसीड्यूस ये सब यूज होता है इसके बाद बैक्टीरियल कल्चर वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग काउडंग कंपोस्ट मैन्योर ये सब क्या है आपको पता ही होगा बैक्टीरियल कल्चर मतलब क्या होता है बैक्टीरियल कल्चर में देखिए दोस्तों बैक्टीरिया का यूज करते हैं प्लांट्स को सर्टन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जैसे कि नाइट्रोजन फोस्फरस वाटर एक्सेट्रा और ये जो बैक्टीरिया से ये प्लांट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए अब दोस्तों सिक्किम का द रोड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट चेक करते हैं मतलब किस तरह ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना दुनिया वैसे 100 परसेंट ऑर्गेनिक स्टेट बनने का जो ट्रांसिशन था वो इतना ईसी नहीं था एक तो सिक्किम एक छोटा स्टेट है और फार्म्स भी कम अवेलेबल है जितने फार्म्स है वो छोटे हैं ऊपर से सिक्किम एक हिमालयन स्टेट है दोस्तों जितने फार्म्स अवेलेबल है वो सब टेरेन रीजन में अवेलेबल है तो आप इमेजिन कर सकते हो उधर फार्मिंग कितना मुश्किल होगा पहले कुछ सालों में क्रॉप फेल हो रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था अब देखिए पहले वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे अब मिट्टी का जो नेचर है वो चेंज होने में टाइम लगेगा ना क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो प्रशंस है वो था उस मिट्टी में उसे अपना नेचुरल फर्टिलिटी अपने आप रीगेन करने में टाइम तो लगा होगा तो एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले ऑफ लैंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना कंप्लीटली बंद किया तो अपना एक्शन प्लान में सिक्किंग गवर्नमेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंप्लीटली प्रोहिबिट किया और अगर इस लॉ को कोई वायलेट करते हैं उन्हें तीन महीने का इम्रिसमेंट इंक्लूडिंग ए फाइन ऑफ वन लाख डिक्लेयर किया वैसे ऑर्गेनिक स्टेट बनने का डिसीजन सिक्किंग गवर्नमेंट 2003 में लिए थे दोस्तों उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पवन चामलिंग सिक्किम स्टेट बोर्ड फॉर्म किए थे इस पर्पस के लिए इसके अलावा देश में अलग अलग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप इनिशिएट किया इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल रिसर्च फ्रॉम स्विट्जरलैंड और गवर्नमेंट ने क्या किया विलेज पंचायत को डेवलप किया इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली अलग अलग विलेज पंचायत को एक एक क्लस्टर करके डेवलप किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने एंड टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ लैंड में कंडक्ट किया गया जो चार लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया फर्दर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के पॉजिटिव साइड्स के बारे में समझाने के लिए कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिकार्मेनिक स्कूल घर तक पहुंच गए एक एक फार्मर का इन एडिशन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट टेक्निक्स पेस्ट मैनेजमेंट लैबोरेटरीज फॉर फार्मिंग यह सब इंट्रोड्यूस किया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बायो विलेज स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ विलेजेस को अडोप्ट किया और उसे बायो विलेजेस में कन्वर्ट किया बायो विलेजेस मतलब क्या होता है ऐसा एक विलेज और टेरिटरी जहां पे एक कम्युनिटी ऑफ पीपल नेचर के साथ करता है टू ए बायोडाइवर्सिफाइड हारमोनियसलीसिसकोलॉजिकल बैलेंस तो बेसिकली एक्ोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी ऑफ पीपल जो है नेचर के साथ को एक्सिस करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों नेचर को डिस्ट्रॉय ना करे जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो यूसेज है उसे बंद करना पड़ेगा किसी भी तरह नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना है ऐसे विलेजेस को बायो विलेजेस आप बोल सकते हो और फार्मिंग के लिए लोगों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स भी इश्यू किया गवर्नमेंट की तरफ से अब ये सारे स्टेप्स लेने के बाद में स्कोप ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ दोस्तों एंड मोर देन ट्वेंटी टू लाख प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ तो दोस्तों दैट्स इट अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस इकोनॉमिकल एडवांटेज देखिए नॉर्मल फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हाइड वेराइटी सीड्स वगैरह यूज करते हैं जो एक्सपेंसिव होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें ये चीज यूज नहीं करना है तो भी सी बात है इकोनॉमिकल एडवांटेज तो होगा ही दोस्तों दूसरा गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए इन्वेस्टमेंट में गुड रिटर्न इसलिए होगा क्योंकि हमारा इनपुट कॉस्ट कम है देखिए नॉर्मल फार्मिंग में सबसे ज्यादा खर्च होता है फर्टिलाइजर का वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह दिया जाता है ये बात आपको पता होगा तो जब फर्टिलाइजर खरीदने में आपका खर्चा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस उस बात है गुड रिटर्न होगा तीसरा हाई डिमांड देखिए आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हाई डिमांड है क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल है उसमें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज होता है देखिए जब आप सब्जी खरीदते हो मार्केट से उसे आपको अच्छी तरह साफ करके ही यूज करना है क्योंकि फार्मिंग के टाइम पर कई सारे टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स उसमें यूज होता है ये तो अलग बात है लोगों को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा ना लोग हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे अगला है न्यूट्रिशनल एडवांटेज देखिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूटिलाइज्ड प्रोडक्ट्स से अगर आप कंपेयर करोगे ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मोर न्यूट्रिशनल है टेस्टी है एंड हेल्थ के लिए भी सही है अगला है एनवायरमेंट फ्रेंडली सिंपल सी बात है दोस्तों जब आप केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं कर रहे हो तब आप एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहे हो अब दोस्तों डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का वन ऑफ द मेजर इश्यू यह है दोस्तों लैक ऑफ इन एडुक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट देखिए ये तो अभी का है ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना पॉपुलर नहीं हुआ है देश में हमारे देश में तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज तो बहुत ज्यादा होता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के हिसाब से लैक ऑफ एड्युएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा पीछे है दूसरा लेस प्रोडक्शन ये बात सही है दोस्तों अगर आप इनऑर्गेनिक फार्मिंग से कंपेयर करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन इनिशियल ईयर्स में कम है ठीक है इसलिए फार्मर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन को अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं दूसरा है लेस प्रोडक्शन देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्शन होता है वो इनिशियल ईयर्स में कम रहता है आज कंपेयर टू केमिकल प्रोडक्ट्स तो फार्मर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन को अकोमोडेट नहीं कर पाता देखिए अगर हमारे देश की बात किया जाए पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो कंसप्शन भी बहुत ज्यादा है तो इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगला है शॉर्ट शेल्फ लाइफ देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ कम है आज कंपेयर टू केमिकल प्रोडक्ट्स आप सबको पता होगा जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस के बाद सीधे सीधे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में जाते हैं जो आलू प्याज हमें मिलता है मार्केट में वो सब कम से कम छः सात आठ महीने पुराने मिलते हैं क्योंकि प्रोड्यूस के बाद सीधा सीधा वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में जाते हैं आप देखिए शेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है मतलब स्टोरेज स्टोरेज टाइम टाइम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का या फिर शेल्फ लाइफ कम है एस कंपेयर टू केमिकल प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा दिन के लिए आप उसे स्टोर नहीं कर पाओगे फाइनली लिमिटेड प्रोडक्शन देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके पास ऑप्शंस कम है बेसिकली ऑफ सीजन क्रॉप्स आर लिमिटेड एक एक क्रॉप का सीजन होता है ना इनऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है सीजन नहीं रहने से भी आप कल्टीवेशन कर सकते हो आपको फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ऑप्शन आपको नहीं है। ये भी एक है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा होगा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है